This call is now being recorded. ठीक है, सभी जगे हुए हैं, है ना? होश में हो ना सभी? मूर्छित तो नहीं हो गए हो? मूर्छित नहीं हो ना? सभी होश में हो? चलो गुड गुड। सुहानी आपको देख के अच्छा लगा, कल आप आई थी, आज फिर आप आई हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो हमने कल जो भी पढ़ा था सब याद है सबको अच्छे से? याद है, सब याद है? अच्छा ये बताओ कि 36 ATP बनता है या 38 ATP बनता है? मैम दोनों बनते हैं। मैम दोनों बनते हैं ना, डिपेंड करता है कि किस पाथ से ग्लूकोज जा रहा है, उस पाथवे को क्या बोलते हैं, सटल सिस्टम। ठीक है, अच्छा जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, आपने देखा होगा कि कभी रात में अचानक से पैर मुड़ गया, हुआ है किसी का पैर मुड़ गया और बहुत तेज, बहुत भयानक दर्द, तो वैसे में बच्चे क्या हो रहा है हमारे शरीर में, क्या हो रहा है बताओ? मैम लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बन रहा है, इसका मतलब कि आधे डॉक्टर तो आप बन गए, आपको पता चल गया कि आपके पैर में ये जो अचानक से मोड़ आती है ये क्यों आ रही है, ऑक्सीजन की कमी से। ठीक है, तो उस समय आपको क्या करना है बच्चे, उस समय क्या करना है आपको, फटाक से पानी पी लेना है ना, फटाक से क्या करना बच्चे, पानी पी लेना है, खड़े हो जाना है, कोशिश करो। एंड इसके अलावा ये क्यों होता है, कैल्शियम की कमी से भी होता है, कैल्शियम की कमी से भी होता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको बार बार हो रहा है, तो कैल्शियम की कमी से भी होता है। अच्छा, आपने इधर लगातार सुना होगा कि जो मेल्स हैं वो गए, लड़के खासकर जिम में गए, जिम करते करते अटैक आ गया, सुना है ना? इधर न्यूज़ में बहुत हो रहा था, है ना, करते करते फिर अटैक आ गया, ऐसा क्यों हो रहा था, उसका रीजन समझ सकते हो, इसी के आसपास है उसका रीजन? ऑक्सीजन की कमी की वजह। उसमें भी बच्चे क्या हो रहा था कि देखो खान पान आजकल हमारा कैसा होता है, मतलब जो जिम करने वाले हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रोटीन वगैरह, फिर बाहर जाके पिज्जा बर्गर ये सब तो खा ही रहे हैं। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल जमता जा रहा है शरीर में, जो आर्टरीज है उसमें बिल्कुल फैट जमता जा रहा है, ऊपर से उनको जितना एक्सरसाइज करना उससे ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं बच्चे तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है बॉडी में, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो उस समय में क्या होता है कि क्या प्रोड्यूस होने लगता है बच्चे, लैक्टिक एसिड, ज्यादा करेंगे तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है, तो वो हार्ट के मसल को, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एंजीना पेक्टोरिस, हार्ट के मसल में क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड आ जाता है। समझ गए? तो बच्चे यही होता है जब हम बहुत ज्यादा डांस, आप देखते होंगे स्कूल में बहुत ज्यादा रिहर्सल कर रहे हो, डांस के रिहर्सल कर रहे हो, भाई चला नहीं जाता, थाइस बहुत ज्यादा दर्द होते हैं ना, थाइस बहुत ज्यादा दर्द, सीढ़ी पे नहीं चढ़ा जाता है, लगता है बस अब एक सीढ़ी और चढ़े तो पैर फट जाएगा, तो वहां पे भी क्या हो रहा है, आपका लैक्टिक एसिड बन रहा है। समझ गए? तो वहां बच्चे जब लैक्टिक एसिड बनता है तो कितने एटीपी बनते हैं बताओ? कितने बनते हैं? 2 ATP बन रहे हैं। ठीक है, जब ईस्ट हो रहा तभी, हाँ मैम, जब पैरों में दर्द होता है तब भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है? देखो पैरों में जब दर्द होता है ना अचानक से, जब आप बहुत ज्यादा रन कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, और फिर थोड़ी देर बाद ना पैर वैर में बहुत दर्द होता है, क्रैम्स आते हैं, इट इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो मसल क्या करता है, वो लैक्टिक एसिड बनाना शुरू कर लेता है, भाई उसको सर्वाइव करना है ना मसल सेल्स को, तो वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर लेता है। ठीक है, ओके, तो आपको उस समय क्या करना है, अच्छे से पानी पीना है, भरपूर पानी पीना है, इनहेल करना है अच्छे से, एंड ये अगर लगातार हो रहा है तो इसका मतलब, और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो फिर भी हो रहा है तो इसका मतलब कैल्शियम की कमी से हो रहा है। ठीक है, कैल्शियम की कमी और विटामिन ई की कमी से भी पैरों में दर्द होता है। चलो, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया था, क्या क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर एसिड टाइल को एंजाइम्स बनता है, ये सब पढ़ लिया था, अब हम इसको रियल में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, होता क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब हमने क्या पढ़ा था बच्चे कल,
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड शाबाश, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। तो ग्लाइकोलाइसिस को हम एक और नाम से क्या पुकारते हैं, ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट वॉज डिस्कवर्ड बाई एम्बेडन, मेयर हॉफ और पार्नास। ठीक है, एम्बेडन, मेयर हॉफ एंड पार्नास, तो ये ईएमपी आपको याद रखना है। ठीक है, तो बच्चे कैसे याद रखोगे, तो ग्लाइकोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। yes. लेकिन yes, आप इसको आईएमपी याद नहीं रख के क्या याद कर लोगे, ईएमपी, है ना, ईएमपी क्यों बोलोगे, बोलोगे अरे भाई इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ये इजी है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ये क्या है, इजी है। अब याद रहेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, ईएमपी पाथवे बोलते हैं। ठीक है, चलो, इट इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू टू मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूविक एसिड, ये हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है बच्चे जब ये ग्लूकोज टूटता है, नहीं। no, No, ठीक है, इस समय ग्लूकोज के टूटने में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये होता कहाँ है, साइटोप्लाज्म में होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट सब में होता है। ठीक है, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, उनमें सिर्फ यही एक प्रोसेस है जो रेस्पिरेशन में होता है। चलो, फीचर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस देखो, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे। तो जब भी आपको ग्लाइकोलाइसिस के बारे में लिखने आता है 11th में, तो मान लो 5 मार्क्स का लिखने आता है, तो 5 मार्क्स का लिखने आएगा तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे ही। सबसे पहले 5 मार्क्स के आंसर में हमेशा इंट्रोडक्शन तो होना ही चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस है क्या। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या लिखोगे, ग्लूकोज ब्रेकडाउन। फिर क्या लिखोगे, साइटोप्लाज्म में होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, ये सब आप बताओगे। ये हो गया इंट्रोडक्शन, देन आप क्या बताओगे, इसके फीचर्स। ओके, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, समझ गए। एक बेटा, एक अंजलि है और एक दूसरी क्या है, खुशी हरारी है। ठीक है, अंजलि है, खुशी हरारी है, दोनों को ये चीजें आती हैं, लेकिन मार्क्स किसको अच्छे मिलेंगे, जो ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट करेगा इसको। ठीक है, सो फीचर्स क्या है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू टू, ये नहीं लिखना है आपको दोबारा से। ठीक है, आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ एंजाइम यूज्ड, कितने नंबर ऑफ एंजाइम लगेंगे बच्चे, 10, 10 एंजाइम का यूज होगा इसमें। क्यों क्यों मैम 10 एंजाइम का, क्योंकि 10 स्टेप है, और हम जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म में, कैटाबॉलिज्म में हमको हर स्टेप में क्या चाहिए बच्चे, एंजाइम, चाहे कुछ जोड़ना हो चाहे कुछ तोड़ना हो, हमें क्या लगता है, एंजाइम्स। क्या CO2 फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, नहीं, यहाँ पे CO2 फॉर्मेशन नहीं होता है। ये कॉमन है प्रोकैरियोट यूकैरियोट में, हाँ। नेट गेन ऑफ ATP कितना होता है, 2 होता है। टोटल ATP कितना प्रोड्यूस होता है बच्चे, टोटल ATP पढ़ रखे हो ना, टोटल ATP कितना प्रोड्यूस होता है बताओ, 10। टोटल ATP बच्चे यहाँ पे 4 प्रोड्यूस होता है। ठीक है, 4 में से 4 प्रोड्यूस हुआ, 4 में से हमने लगाया कितना, शुरुआत में हम लगाते हैं ना, कोई भी बिजनेस चलाते हैं तो हम शुरुआत में लगाते हैं, यहाँ पे भी 2 ATP हम लगाते हैं, तो नेट गेन कितना हुआ, फायदा कितना हुआ, 2 ATP का फायदा हुआ। ठीक है, NADH2 कितना बनता है बच्चे, 2 बनता है। NADH2 कितना बनता है, 2 बनता है, और हम जानते हैं कि एक NADH2 से कितना ATP बन सकता है, 3 ATP, वेरी गुड, 3 ATP। तो 2 NADH2 से 6 ATP, ठीक है, हमसे ATP बनेगा। ठीक है, 6 ATP बनेगा। ओके, तो आपका कितना हो गया ATP बच्चे, 6 ATP + 2 ATP, कितने ATP हो गए बच्चे, 8 ATP। तो बच्चे आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, आपको क्वेश्चन आएगा कि बच्चे यहाँ पे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर मान लो आपसे NADH2 का नहीं पूछा है, सिंपल आपसे ATP पूछा है, तो आप क्या बताओगे, नेट गेन इज 2 ATP। लेकिन आपसे टोटल पूछा है NADH2 को लेकर के, ATP को लेकर के, सबको लेकर के, तो आप कितना बताओगे, 8 ATP। ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई।
इतनी बात क्लियर हो गई। एटीपी क्यों आया? क्योंकि भाई शुरुआत में दो हम लगाते हैं तो वो तो दो तो हम घटाएंगे ना जो लगाया अपना, ठीक है ओके। एनएडीएस टू को क्यों नहीं यहाँ पे काउंट किया जाता है पता है? क्योंकि एनएडीएस टू कहाँ काउंट होगा बच्चे? बाद में जाके हम उसका चिल्लर कराएंगे। एनएडीएस टू इज लाइक चेकबुक, ठीक है। यहाँ एटीपी इज लाइक डायरेक्ट कैश, एनएडीएस टू इज लाइक चेकबुक। अब चेकबुक तो भाई जब उसको तुम बैंक जाओगे है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बैंक जाओगे और बैंक से जब एटीपी लोगे तब तो एटीपी काउंट करोगे, अभी यहाँ पे काउंट नहीं करते, समझ गए। तो नेट गेन अगर आप कहीं भी गूगल में सर्च करोगे तो कितना आएगा? 2 ATP आएगा। उसमें लिखा होगा कि 4 ATP बनता है लेकिन 2 इन्वेस्ट होता है तो हमको नेट गेन 2 ATP का होता है, ठीक है। चलो गुड, आगे बढ़ जाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में 2 फेज होते हैं, प्रिपरेटरी फेज एंड ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपरेटरी फेज क्या है बच्चे? प्रिपरेटरी फेज वो फेज है जिसमें हम एनर्जी लगाते हैं, ठीक है, जिसमें हम एटीपी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, एटीपी इन्वेस्ट करते हैं। और ऑक्सीडेटिव फेज कौन सा है? जिसमें एटीपी गेन करते हैं, एटीपी मिलता है हमें, ओके। यहां देख रहे हो 8 ATP लिखा है टोटल, ओके चलो अब हम इसको थोड़ा पढ़ लें। बड़ा मजेदार है, सबको पता है ये, है ना, बहुत मजेदार है ये, तो मजेदार लगता है कि नहीं? हाँ देखो, क्या मैं पहले आपको कहानी बता दूं या मैं पहले आपको ये पूरा स्टेप बता दूं? जल्दी मैम, स्टोरी स्टोरी बाकी बाकी बोलो, स्टोरी बता दूं, है ना, थोड़ा सा लिंक कर पाओगे क्योंकि पहले पढ़ रखा है, ठीक है। चलो ठीक है, इसमें बच्चे टोटल हमारे पास कितने एंजाइम हैं? 10 एंजाइम हैं, ठीक है, 10 एंजाइम हैं और 10 स्टेप हैं। ये 10 स्टेप समझने से पहले क्या हम एक वायर्ड सी स्टोरी ना सुन लें, एक अजीब सी स्टोरी जिससे कि हमारा थोड़ा इंटरेस्ट भी आ जाए और ये गंदे नाम याद करने से हम बच जाएं, है ना, थोड़ा टेंशन कम रहे इस नाम को याद करने का, ठीक है बच्चे। तो आपको क्या याद रखना है, आपको क्या याद रखना है? एक गार्डन है, एक गार्डन है, उसमें क्या है बच्चे? एक पेड़ है, उसमें क्या लगे हुए हैं? उसमें क्या लगे हुए हैं? फ्रूट्स लगे हुए, ठीक है, उसमें क्या लगे हुए हैं बच्चे? फ्रूट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ओ पूरा पेड़ ही उड़ गया, ठीक है, ये पेड़ दिख रहा है ना सबको, पेड़ दिख रहा है, ठीक है, ये पेड़ लगा हुआ है बच्चे, इसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं। हम जानते हैं कि फ्रूट्स में क्या होता है बच्चे? फ्रूट्स में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, ठीक है। तो फ्रूट्स है, फ्रूट कैसा है बच्चे? गोल गोल, गोल गोल फ्रूट है, ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रक्टोज, है ना। तो कैसा फ्रूट है? गोल गोल फ्रूट है, कैसा फ्रूट है? गोल गोल फ्रूट है। और फ्रूट कितना है बच्चे? फ्रूट कितना है? फ्रूट कितना है? 6 है। फ्रूट कितना है? 1 है 2 है 3 है, आपने काउंट किया, पहले आपने क्या बोला? फ्रूट 1 है, नहीं नहीं 6 है। फ्रूट कितने हैं बच्चे? 1 है 6, ठीक है, 1 है 6 है, ओके। मैं आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर भी समझाऊंगी लेकिन पहले ये थोड़ी सी वायर्ड सी कहानी समझो, एकदम दिमाग का इमेजिनेशन द्वार खोलो कि आपको इमेजिन करना है आपके सामने वो पेड़ है जिसमें ऐसा फ्रूट है, ठीक है, एक पेड़ है जिसमें गोल गोल फ्रूट है, ओके। आपने इससे पहले गोल गोल फ्रूट नहीं देखे थे, आपने इससे पहले ट्रायंगुलर फ्रूट देखे थे, ऐसा सोचो आपने पहली बार लाइफ में गोल गोल फ्रूट देखे, समझ गए, पहली बार लाइफ में आपने गोल गोल फ्रूट देखे हैं। और वो फ्रूट कितने हैं? 1 है, पहले आपको लगा 1 है, फिर आप क्या बोल रहे हो? 6 फ्रूट है, 1 है 6, ठीक है। अब आपने इस पे पत्थर मारा, अब आपने इस पे पत्थर मारा तो फ्रूट गिरा बच्चे धप से। फ्रूट गिरता है तो साउंड क्या आती है? धप। साउंड क्या आती है? धप आती है, साउंड धप, यहाँ लिखा है धप। यस मैम, धप। उसके बाद अब भाई फ्रूट को तो उठाना आपको था, आपको उठाना था फ्रूट को, लेकिन यहाँ पे एक था पागल। कौन था? पागल, ठीक है, कौन था बच्चे? पागल। इसने क्या किया? आपके फ्रूट को उठा लिया, समझ गए, कौन है ये?
पगाल। यहां देखो लिखा है G3P को हम क्या बोलते हैं, पगाल भी बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड, जानते हो फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चे, पगाल। ठीक है, तो हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, पागल। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे ही फ्रूट गिरा धप से तो पागल आया, पागल आया, पागल ने फ्रूट उठा लिए। ठीक है, पागल ने फ्रूट उठा लिए और वो लगा भागने, वो लगा भागने। देखो यहाँ पे पागल भाग रहा है, यस मैम। ये देखो ये वाली लाइन पे पागल भाग रहा है, भाग रहा है पागल। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बच्चे, उसके बाद जैसे ही थोड़ी सी, जैसे ही वहां पे एनएडी आया, ठीक है, जैसे ही एनएडी आया तो ये डर के मारे, ठीक है, एनएडी से समझो आपने इस पे पत्थर मारा, तो इसने क्या किया, इसने क्या किया, आपको कुछ फ्रूट फेंक दिए, आपके तरफ कुछ फ्रूट को फेंक दिया, फॉस्फोग्लाइसरेट, फ्रूट को क्या किया, फेंक दिया। ठीक है, एक फेंका, फिर तीन फेंका, फिर उसके बाद तीन फ्रूट फेंका, उसके बाद दो फ्रूट फेंका, और फिर आपने क्या किया, सारे फ्रूट को पैक किया और घर जाके खा लिए, पाइरूवेट पाकर क्या किया, खा लिया, एट एट। ठीक है, पाइरूवेट पाया और एट पाके खा लिया। ठीक है, कहानी समझ में आ गई, कहानी समझ में आ गई। अब देखो बच्चे इस कहानी का फायदा क्या है, जब भी आप ये करो, लिखोगे स्टेप्स, बीच में भूलते हैं बच्चे, कितनी बार भी याद कर लो बच्चे भूलते हैं, तो अब आपको ये चीज याद रहेगी कि कैसे कैसे कहानी थी। तो क्या कहानी थी बच्चे, एक गार्डन है, गार्डन में पेड़ है, गार्डन में पेड़ में क्या है, गोल गोल फ्रूट, और फ्रूट कितने हैं, एक है, छह। आपने जैसे पत्थर मारा, फ्रूट गिरा धप, फ्रूट गिरा धप, और फ्रूट को पागल लेकर के भागा, पागल लेकर के भागा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया बच्चे, नैड। ठीक है, आप ठीक है, नैड आया, आप इसको मैड भी समझ सकते हो, हाँ यू समझ सकते हो कि आपने पत्थर मारा या कुछ किया, या फिर आपने इसको पागल चिल्लाया, मैड के जगह आपने क्या बोला, नैड। तो ये क्या कर रहा है बच्चे, आपकी तरफ फ्रूट फेंक रहा है, कितने फ्रूट फेंक रहा है, एक तीन। ठीक है, उसके बाद कितने फ्रूट फेंक रहा है, तीन, उसके बाद कितने फ्रूट फेंक रहा है, दो। फिर उसके बाद आपने क्या किया, सारे फ्रूट को क्या किया बच्चे, पैक किया, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट पैक किया, पीईपी, पीईपी साउंड किसका होता है, गाड़ी का। ठीक है, आपने पैक किया, गाड़ी में भरा उसको, ठीक है, और फिर घर जाके आपने क्या किया, इसको खा मजे लिया, से खाया। ठीक है बच्चे, आपने इसको मजे से खाया, खाया। खा रहे हो है ना, खा रहे हो मजे से इसको, है ना। ठीक है, समझ गए, याद रहेगा अब आपको, याद रहेगा। चलो अब हम इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ ले, थोड़ी सी अजीब सी कहानी है, लेकिन बच्चे ये अजीब अजीबोगरीब कहानी मुझे बनाने में बहुत मजा आता है, बहुत ही मजा आता है, क्योंकि मैं शुरू से ऐसे ही याद करती हूँ और लिटरली मुझे बहुत मजा आता है ऐसी कहानियां बनाने में, है ना, और ये वर्क करता है। मैम अच्छा लग रहा है। हाँ बच्चे, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इसकी पूरी बुक है कि अगर आप वायर्ड स्टोरी के थ्रू किसी चीज को पढ़ते हैं तो आपको 80% थिंग जो है उसी समय याद हो जाती है, और अगर आप उसको रिवाइज कर लेते हैं तो हमेशा माइंड में रहता है, समझ गए। ठीक है, ओके, चलो गुड। तो अब हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं यहां से, ठीक है, ओके, यहां से पढ़ ले। तो अब मैं पूरा ये इमेज हटा दूं, ठीक यस मैम, है, या फिर पिछले वाले में जाएं। चलो यहीं से पढ़ते हैं, ठीक है, मैं इसका पूरा इमेज अब हटा देती हूँ। क्या समय आ गया, अब दस इरेज भी हमें ही करना पड़ता है टीचर्स को। चलो ठीक है, सबसे पहले क्या है बच्चे, ग्लूकोज है, सबसे पहले क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितने कितने कार्बन बच्चे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कार्बन। ठीक है, अब हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज आता है, और हेक्सोकाइनेज क्या करता है बच्चे, हंस हंस के, हेक्सोकाइनेज मैं क्यों याद करा रही हूँ, इससे क्वेश्चन आता है,
कौन ऐसा एंजाइम है जो ग्लूकोज को ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में बदलता है? कौन है वो? हेक्सोकाइनेज। बच्चे हेक्सोकाइनेज हंस हंस के एटीपी लेता है आपके बॉडी से। देखो एक फॉस्फेट ले लिया, तो ये जो फॉस्फेट लिया है ये कहाँ ऐड करेगा बच्चे? ग्लूकोज में ही, कार्बन में ही ऐड करेगा ना। 1 2 3 4 5 6 अब इसमें ये क्या ऐड कर देगा? एक फॉस्फेट, ये फॉस्फेट ऐड करेगा। कहाँ पे फॉस्फेट ऐड करेगा बच्चे? कार्बन सिक्स पे। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट। कहाँ पे ऐड कर रहा है? कार्बन नंबर सिक्स पे। 1 2 3 4 5 6 सिक्स पे ऐड कर रहा है। अब नामकरण समझ रहे हो ना, क्यों सिक्स फॉस्फेट बोलते हैं, क्यों 1 6 फॉस्फेट बोलते हैं, है ना? पिछले वाले चैप्टर में भी मैंने समझाया था, ठीक है। तो ये बन गया बच्चे ग्लूकोज, हेक्सोकाइनेज ने एटीपी लेकर के एक फॉस्फेट लेकर के इसमें जोड़ दिया और ये क्या बन गया? ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, ठीक है। अब इसको मजा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। तो ये क्या बना रहा है? इसका आइसोमर बना रहा है, ठीक है। कौन बना रहा है? फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज। ये आपको याद नहीं करना है, सिंपल समझो कि आइसोमर बन रहा है। तो इसका आइसोमर क्या बनता है बच्चे? फ्रक्टोज। ग्लूकोज का आइसोमर फ्रक्टोज, ठीक है, पढ़ रखा है आपने उस चैप्टर में। ग्लूकोज का आइसोमर फ्रक्टोज। 1 2 3 4 5 6 सिक्स कार्बन है और इसमें क्या जुड़ जाएगा बच्चे? एक फॉस्फेट, एक फॉस्फेट, ठीक है। तो आपका क्या बन गया? गोल गोल फ्रूट, ठीक है, गोल गोल फ्रूट, ओके। तो भाई क्या एक फ्रूट से काम चलेगा? नहीं, ज्यादा फ्रूट बनाते हैं। कितने फ्रूट बनाएंगे? 6 फ्रूट। हम ये याद करने के लिए कर रहे हैं बच्चे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? फॉस्फेट एक और जोड़ेंगे, है ना। हम क्या बोल रहे हैं भाई? एक फॉस्फेट और जोड़ना चाहिए। लास्ट में फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम कहाँ जोड़ रहे हैं फॉस्फेट? 1 2 3 4 5 6 कहाँ कहाँ जोड़ेंगे बताओ? सिक्स में, वेरी गुड। और इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? बाई फॉस्फेट। बाई क्यों बोल रहे हैं बच्चे? दो जगह फॉस्फेट, ठीक है, बाई फॉस्फेट। एक एक नाम को आपको समझना है, ठीक है। ये आपका जुड़ गया, ओके। अब ये हो गया कंप्लीट, अब ये हो गया कंप्लीट। अब क्या है? एनर्जी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब क्या है? एनर्जी बर्दाश्त नहीं हो रही। फ्रूट एकदम पक के तैयार है, फ्रूट एकदम पक के तैयार है। मेरी वीडियो नहीं आ रही है क्या? ठीक है, फ्रूट एकदम बच्चे पक के तैयार है। तो फ्रूट क्या होगा? धप से गिरेगा। जब फ्रूट धप से गिरेगा बच्चे तो टूटेगा, है ना, टूटेगा। yes, ओके, ये इधर कितना बन जाएगा? 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन और फॉस्फेट। और इधर भी कितना हो जाएगा? इधर भी कितना हो जाएगा? 1 2 3 कार्बन और साथ में एक फॉस्फेट, ठीक है। इधर भी फॉस्फेट और इधर भी फॉस्फेट, ठीक है। फ्रूट एकदम टूट गया गिर के। अब जो फ्रूट है बच्चे, इसको ले करके कौन आगे भाग रहा है? पगाल, ठीक है। अब ये वाला जो रिएक्शन है आगे हम पढ़ रहे हैं। अभी तक जब तक बच्चे, जब तक आपका फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट बनता है, जब तक हम फॉस्फेट जोड़ रहे हैं, देखो यहाँ पे एक बार फॉस्फेट जोड़े और यहाँ पे एक बार फॉस्फेट जोड़े, तो फॉस्फेट लाए कहाँ से? आपकी आपकी बॉडी से ना लाए, आपकी बॉडी से लाए। तो बच्चे 2 ATP तो आपने खुद लगाया। यहाँ पे ATP लगा तो उसका फॉस्फेट ले लिए, यहाँ पे ATP लगा तो उसका फॉस्फेट ले लिए, तो हो गया 2 ATP। 2 ATP बच्चे इन्वेस्ट किया आपने, है ना। कोई भी बिजनेस लगाते हो तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लगती है ना, उसके बाद कमाई होती है। तो अब जब इन्वेस्टमेंट हो गई तो क्या होगा? अब आपका बिजनेस बढ़ गया। अब आप इसके क्या कर रहे हैं? 2 ब्रांचेस खोल रहे हैं, इधर और इधर, ठीक है, ओके। 2 ब्रांचेस खोल रहे हैं। अब ये वाला ब्रांच आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा, है ना। इसमें जो पागल है बहुत अच्छा काम कर रहा है, पागल आगे बढ़ा रहा है बिजनेस को, समझ गया? पागल, पागल जो है बहुत समझदार है बिजनेस में, आगे बढ़ा रहा है बिजनेस को। तो यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे आपका क्या लग रहा है? NAD, ठीक है। NAD क्या था बच्चे? NAD+ था, मैंने आपको बताया है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो यहाँ पे इसके पास क्या ऐड हो गया बच्चे? H ऐड हो गया, इसने एक हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। अभी आगे बढ़ेगा।
ओके यहाँ इसका कितना हो गया बच्चे, 2NADH बन गया, कितना बचे बन गया 2NADH यहीं पे बन गया। ओके ठीक, अब ये आगे बढ़ रहा है, पगाल जो है आगे बढ़ रहा है, पगाल आगे बढ़ने के बाद बच्चे क्या बना रहा है, 1,3-bisphosphoglycerate बना रहा है। यहां से आपको इतना याद रखना है कि इसने कितने फ्रूट भेज फेंके थे आपके तरफ, एक और तीन ठीक है, एक और तीन आपको फेंके थे, तो इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो कि आपका ग्लूकोज कितना, ये कार्बन कितने हैं बच्चे, तीन है, कार्बन कितने हैं तीन है, और फॉस्फेट कहाँ कहाँ लगा है, यहाँ एक और एंड पर, ठीक है, उसके बाद बच्चे हमने इस फॉस्फेट को देखो यूज कर लिया नेक्स्ट स्टेप में। जब आपको फॉस्फेट बॉडी में मिला तो इसका मतलब आपको एटीपी मिल गई, यहाँ पे एटीपी आपको मिली, ठीक है, यहाँ पे एटीपी आपको मिली कि नहीं नहीं, एकदम पूरा ध्यान लगा के सुनना है। लेकिन अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो मैम दो एटीपी तो नहीं मिलेगा क्योंकि एक ही फॉस्फेट तो यहाँ पे अलग हुआ है, एक ही फॉस्फेट अलग हुआ ना, ठीक है, एक ही फॉस्फेट अलग होगा, और वो भी कौन वाला बच्चे, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा है कौन वाला है फॉस्फेट अलग होगा, नंबर वन वाला, नंबर कौन वाला होगा, नंबर वन, क्योंकि अभी 3-फॉस्फोग्लिसरेट में क्या बन रहा है, तीन आपका तीसरे नंबर वाला फॉस्फेट तो लगा ही हुआ है, ठीक है, ये वाला बॉडी के अंदर चला गया। तो अब आप बोल सकते हो ना मैम एक ही एटीपी तो है, आपने दो क्यों लिखा, यहाँ पे दो क्यों लिखा है, पता है क्यों दो लिखा है भाई, एनसीईआरटी आपको ना सर दर्द नहीं देना चाहती है, ये जो रिएक्शन यहाँ पे चल रहा है वही सेम रिएक्शन इधर भी चलेगा बच्चे, तो अगर दोनों तरफ वही सेम चीज लिखी होगी तो पागल नहीं हो जाओगे है ना, जो G3P इधर बन रहा है 1,3-bisphosphoglycerate इधर भी बनेगा, 3-phosphoglycerate इधर भी बनेगा, तो एक एटीपी इधर है तो एक एटीपी इधर होगा कि नहीं, इसीलिए यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चे, इसीलिए यहाँ पे दो एटीपी लिखा हुआ है, समझ गए। अब क्या होगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कुछ नहीं होता है बच्चे, है ना, ये जो फॉस्फेट अभी साइड में लगा है ना, ये कहाँ लग जाता है इसके सिर के ऊपर, यहाँ लग जाता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट नंबर 2 कार्बन पे लग जाता है, ठीक है, कहाँ लग जाता है नंबर 2 कार्बन पे, ठीक। अब क्या होगा बच्चे, यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में क्या हो जाएगा, ये मतलब ना बॉल खेल रहा है, ये क्या खेल रहा है बच्चे बॉल खेल रहा है, यहाँ पे लग जाएगा नीचे के साइड, जैसे बॉल खेलते हैं ना, यूं बॉल को इधर लाया फिर सिर पे लाया फिर नीचे लाया, हाँ बॉल खेलते हैं ना, बॉल को स्विंग कराते हैं इधर उधर, वैसे पहले फॉस्फेट कहाँ लगा था, इधर लगा था, तो उसको इसका नाम क्या था, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। बच्चे मैं ये लास्ट स्टेप है, खत्म करती हूँ, मैं आपका डाउट लेती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 2-फॉस्फोग्लिसरेट क्या किसको बोल रहे हैं बच्चे, जब ये नंबर 2 कार्बन पे ऊपर लगा है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट किसको बोल रहे हैं, जब नंबर 2 कार्बन पे ही कहाँ लगा है, नीचे लगा है, ठीक है, और पाइरुवेट कब बन गया, जब ये फॉस्फेट कहाँ हो गया, कहाँ लगा दिया, बॉडी के अंदर, यहाँ देखो फिर से दो एटीपी निकला, ठीक है, इस फॉस्फेट को हमने यूज कर लिया क्योंकि ये दोनों तरफ हो रहा है इसलिए दो एटीपी, तो एटीपी कहाँ निकला बच्चे, एटीपी कहाँ यहाँ निकला, दो एटीपी, और कहाँ निकला, यहाँ दो एटीपी निकला, लास्ट में क्या बन गया बच्चे, आपको जो चाहिए था, आपको क्या चाहिए था, कार्बन के 3 एटम्स चाहिए थे बस, यस मैम, कार्बन के 3 एटम चाहिए थे, वो मिल गया आपको, आपने बैठ के खा लिया उसको, है ना, पाइरुवेट, हाँ पा करके एट, हाँ पाइरुवेट, समझ गए, ओके यस मैम, ओके ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मुझे बताओ क्या डाउट है, हम फिर से ब्लैंक पेज में अब इसको लिखने वाले हैं, ठीक है, और बताओ क्या डाउट है, क्या पूछ रहे थे, अटेंडेंस,
अच्छा श्रेया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ओके चलो कोई बात नहीं। इसको थोड़ा नजर में उतार लो, 2 मिनट इसको गौर से देखो, ठीक, थोड़ा फोटोग्राफिक मेमोरीज की लो, फोटो क्लिक करो आंखों से, 2 मिनट इसको जरा ध्यान से देखो। गोल गोल फ्रूट है, फ्रूट 1,6 है, बाइफॉस्फेट हो गया, फिर क्या बन गया, G3P, फिर धप बन गया, फिर ये आगे बढ़ा तो मैड को हमने क्या बोला, नैड, फिर क्या बना, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट, फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट, फिर 2-फॉस्फोग्लिसरेट, फिर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, फिर पाइरुवेट, ठीक है बच्चे, चलो ओके ओके ओके। चलो अब हम ब्लैंक स्लाइड में बनाएं, देखें कितना याद है हमें, यस मैम, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, अब आप लोग मुझे बताएं सबसे पहले क्या था बच्चे, गोल गोल फ्रूट, तो गोल से क्या था, ग्लूकोज, फिर क्या था बच्चे, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, वेरी गुड, ठीक है। फिर क्या होगा, गोल गोल फ्रूट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, ठीक है, गोल गोल फ्रूट। अब फ्रूट कितना, लगा है तो क्या हो जाएगा, बाई फॉस्फेट, ठीक है। अब देखो नामकरण करना आ गया आप लोगों को, अब जैसे ही इतना बड़ा फ्रूट बन गया तो हमने 2 ब्रांच खोल ली, यस मैम, ठीक है, फ्रूट पक गया तो फ्रूट गिरा धप धप, गिरा धप, ठीक है, और इधर क्या है, पगाल, ठीक है, पगाल जिसको G3P भी बोलते हैं बच्चे, पगाल है। अब ये पगाल आगे दौड़ा, ठीक है, दौड़ा दौड़ा तो हमने इसको क्या बोला, मैड की जगह नैड, ठीक है, और ये नैड क्या बनाया, NADH, ठीक है, ये NADH बनाया। इसके बाद बच्चे इसने आपके तरफ क्या फेंका, 1,3-5-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, ग्लिसरेट, वेरी गुड, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट, क्या हो गया बे, ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, हाँ मैम अच्छा है, अच्छा ओके ओके ठीक है, तो ऐसा बैकग्राउंड रखेंगे, ठीक है। अब क्या बच्चे, 1,3 से आपका काम नहीं चला तो कितना फेंका इसने, फिर 3-फॉस्फेट, ठीक है, ग्लिसरेट फेंका। तो बच्चे जब एक फॉस्फेट फिर कहाँ गया, आपकी बॉडी में कहाँ आया बच्चे, एक फॉस्फेट बॉडी में, तो हम एक फॉस्फेट नहीं लेके 2 लिखेंगे क्योंकि इधर भी सेम रिएक्शन चल रहा है, तो हमारा क्या लिखेंगे, 2 ATP गेन, है ना, ओके है ना, हुर्रे हुर्रे, 2 ATP गेन, मजा आ गया। अब क्या है बच्चे आगे चले, ग्लिसरेट, ओके। अब ये क्या बन जाएगा, अब आप इसको गाड़ी में भरोगे तो PEP पाइरुवेट, आपने इसको किस में भर लिया बच्चे, गाड़ी में, इसको हम अगर मान लो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट नहीं भी याद रखता है, रखते हो नाम, तो आप क्या लिख सकते हो, पीई। अब आप घर जाके इसको क्या करोगे बच्चे, ठीक है, और यहाँ पे जो 2 नंबर पे जो आपका फॉस्फोरस लगा हुआ था फॉस्फेट, यहाँ पे भी क्या हुआ बच्चे, 2 ATP प्रोड्यूस, ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, हुर्रे, है ना, और यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे हमारा 2 ATP, ठीक है, इन्वेस्टेड, सॉरी यहाँ पे 1 ATP इन्वेस्टेड, तो बनी है ना, फिर यहाँ पे 1 ATP इन्वेस्टेड, ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना आया, टोटल
एटीपी, टोटल एटीपी कितना आया बच्चे, चार मिला हमको, है ना, ठीक है, फोर एटीपी क्या हुआ, गेन किया हमने, बट माइनस टू एटीपी इन्वेस्ट किया, तो टोटल गेन, गेन कितना हुआ हमें, दो एटीपी, ठीक है, दो एटीपी, ओके। तो क्या आपको याद नहीं हो गया? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, Yes, है ना, बजाओ ताली चलो ओके, याद हो गया। तो बच्चे ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बच्चों को जल्दी याद नहीं होता है, लेकिन मैंने ट्राई किया कि मुझे एक थोड़ी सी अजीब सी वायर्ड सी स्टोरी मैं बनाऊं जिससे बच्चों को याद हो जाए। तो मुझे इसको बनाने में एक दिन लगे थे, ये मैंने पिछले साल ही बनाया था जब बच्चों को पढ़ाया था, समझ गए। तो यहाँ पे हम थोड़ा एंजाइम देख लेते हैं, यहाँ पे कौन सा एंजाइम है बच्चे, हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, हंस हंस के ये एटीपी ऐड करता है ना, हेक्सोकाइनेज, ओके। और यहाँ पे एक एंजाइम होता है बच्चे, एल्डोलेज। एल्डोलेज कैसे याद रखोगे भाई, यहाँ आपकी ब्रांच खुल रही है ना, दो ब्रांच खुल रही है, ऐड हो रही है, तो ये क्या, यहाँ पे क्या होता है, एल्डोलेज, एल्डोलेज। यहाँ पे कौन होता है बच्चे, आइसोमरेज होता है ना, आइसोमरेज, समझ गए। तो आपको इस तरह से कुछ जो एंजाइम है इन तीनों पे क्वेश्चन आता है, ये आप आराम से अब कर लोगे, है ना, कर लोगे आराम से। अब आपको सिर्फ क्या करना है, ये आपका होमवर्क है बच्चे, दिस इज योर होमवर्क, कि आपको, ठीक है, बिना देखे, बिना देखे आपको क्या लिखना है, राइट, ठीक है, राइट इट ट्वाइस, दो बार, okay, ma'am. इसको बिना देखे बिल्कुल लिखना। अगर मान लो पहली बार में कुछ आप भूलते हो तो एक बार और देख लो, ठीक है, एक बार देख लो उसको अच्छे से, फिर बिना देखे दो बार आप इसको लिखोगे, ठीक है, और आज ही लिखोगे। पता है क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, स्पेशली कोई ऐसी चीज जो भूलने वाली है, श्योर है कि हम उसको भूल जाएंगे, उसको बच्चे सेम डे अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो 80% पार्ट आप उसका भूल जाते हैं, ठीक है, फिर वो क्या रह जाती है, भूली बिसरी यादें, वो यादों का धुआं, है ना, वो राख, बस और कुछ नहीं समझ गए, जो आप नहीं भूलना चाहते हैं ना, वो आप भूल जाते हैं, और जो आप भूलना चाहते हैं वो आप चाह के भी नहीं भूल पाते हैं। हाँ जी, है ना, ऐसा होता है ना, जो आप दिमाग से निकाल देना चाहते लेकिन वो भाई वो आपके दिमाग में बार बार आती है, क्योंकि मैम उसे निकालने के लिए बार बार सोचते रहते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही इसको निकालने, इसको सोचो कि दिमाग से मुझे निकालना है, हाँ मुझे निकालना है इसको, ये फालतू बात है, मुझे निकालना है, देखो ये बार बार दिमाग में आएगा। मैम ये तो इजीली निकल जाएगा। नहीं 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 निकलेगा, जब आप सोच लोगे ना इसको निकालना है दिमाग से तो नहीं निकलेगा, वो बार बार याद आएगा, फिर बार बार याद आएगा कि मैम ने बोला था पागल है, धप है, ठीक है। पिछले पिछले साल जब मैं पढ़ा रही थी तो एक एक बच्ची की मदर भी थी, उनको याद हो गया था, और बच्ची ने बोला कि मैम मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मम्मी को याद हो गया, मम्मी चलते फिरते मुझसे ये बार बार पूछ रही है, बताओ, उनको पूरा पाथवे याद हो गया था बैठ के, समझ गए। चलो अब मुझे बताइए, ये आपका हो गया था थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि दिमाग पे अभी बहुत प्रेशर था ना आपका, इसलिए मैं बीच बीच में थोड़ा सा आपका मूड फ्रेश करती हूँ, ठीक है। ये नहीं सोचना कि मैम बहुत गप्पे मारती, गप्पे नहीं मारती हूँ बच्चे, बीच बीच में आपको थोड़ा सा मूड फ्रेश करना जरूरी होता, नहीं तो आप उसी फ्लो में, ठीक है, उसी फ्लो में आप किसी चीज को लगातार नहीं ले सकते हो, याद नहीं कर सकते, ठीक। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, तो हंस हंस के जो यूं जान लेती है ना, वही है, हंस हंस के एटीपी लेकर के ये ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बनाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ एनएडी प्लस, बताया मैंने, फंक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन कैरी करता है भाई, मतलब ये चोर है, एनएडी इज चोर, चोर है ये सारे पाथवे में बेटा जाएगा और जाके इलेक्ट्रॉन चुराएगा, समझ गए, ये चोर है, बहुत बड़ा चोर है ये, समझ गए। चलो
इन ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय, कौन रिमूव कर रहा है? चोर ना? यस, वेरी गुड वेरी गुड, चोर ही रिमूव कर रहा है भाई, यही यही हटाएगा, समझ गए? एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज गला सूख रहा है, हाँ पाइरुविक एसिड, इसी को क्या बोलते हैं बच्चे? पाइरुवेट बोलते हैं, ठीक है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यील्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल इज, सबसे ज्यादा एटीपी मैम ग्लूकोज, एट विच स्टेप, ध्यान से पढ़ना ये, एट विच स्टेप ग्लाइकोलाइसिस रीच द ब्रेक इवन पॉइंट, मैं वो वाले ब्रेक इवन की बात नहीं कर रही हूँ कि बीच में टूट गया, वो नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट, टू मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी कंज्यूम्ड एंड टू मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड, कहां पे दो नया मॉलिक्यूल बनता है फटाक से, तुरंत बनता है, जैसे ही नया ब्रांच बनता है तुरंत दो मॉलिक्यूल बनते हैं फटाक से, हाँ मैम फर्स्ट ऑफ दोनों तरफ एटीपी बनता है, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, दो एटीपी बना, ठीक है? चलो अब हम आ जाते हैं इस पे, ग्लाइकोलाइसिस तीन तरीके से होता है, ठीक है, थ्री वेज में होता है ग्लाइकोलाइसिस, हमारे अंदर कैसे हुआ, ठीक है, एरोबिक हमने देखा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कैसे होता है, ईस्ट के अंदर कैसे होता है, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कैसे होता है, ठीक है? हमारे अंदर जो हुआ, अब वो कहाँ जाएगा बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा, ठीक, और जो अल्कोहल में हुआ, मतलब ईस्ट में जो हुआ, और लैक्टिक एसिड में कैसे होता है, ये डायग्राम देखो ध्यान से, ये डायग्राम आपको ध्यान से देखना है बिल्कुल मन लगा के, ठीक है? बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा आप समझो इसमें हो क्या रहा है। ये ग्लूकोज है बच्चे, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? ईस्ट की बॉडी में क्या हो रहा है, हमने अपना तो पढ़ लिया, ईस्ट को छोड़ देंगे बेचारा गरीब, हाँ उसमें तो सिर्फ यही हो रहा है ना, ग्लाइकोलाइसिस ही हो रहा है, तो क्या हम उसको भूल जाएंगे? हाँ, गरीब दोस्त को थोड़ी भूल जाएंगे, ठीक है? तो ग्लूकोज है, उसकी बॉडी में क्या है? ग्लूकोज आया, ग्लूकोज से क्या बना बच्चे? G3P बना, उसमें क्या बन गया? G3P बन गया, ठीक है? G3P बन गया बच्चे, उसके बाद यहाँ G3P बनता है, तो ये क्या बनता है बच्चे? NAD, हम पढ़ रखे हैं ना, G3P मतलब पगाल, पगाल बना ना, पगाल के बाद बच्चे क्या? NADH बनाता है, ठीक है, NADH+ बनाता है, इसके बाद बच्चे ये फाइनली क्या बनाएगा? पाइरुविक एसिड, या फिर पाइरुवेट हम बोलते हैं। अब इसकी बॉडी में बच्चे पाइरुवेट बन गया, ठीक है, पाइरुवेट बन गया, अब ये क्या करेगा? पाइरुविक एसिड का क्या करेगा? इसको CO2 रिलीज करना, ये पाइरुविक एसिड का क्या करेगा? ये बच्चे इस NADH का वेट करता है, ठीक है, ये NADH यहाँ पे आता है, ठीक है, NADH वहीं पे घूम रहा है, साइटोप्लाज्म में घूम रहा है, उस वो आएगा पाइरुविक एसिड के पास, बोलेगा भाई मैंने इलेक्ट्रॉन चुराए हैं, क्या बोलेगा? भाई मैंने इलेक्ट्रॉन चुराए हैं, हाँ, तो ये बोलेगा कितने? बोलेगा दो, तो बोलेगा मुझे दे दो, जो तुम्हारे पास है ना H और H+ मुझे दे दो, तो पाइरुविक एसिड में बच्चे दो H+ लग जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH हो जाता है, ठीक है, कितना हो जाता है? C2H5OH हो जाता है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जुड़ गए बच्चे? देखो 5 और 6 है ना, 6 है, पहले पाइरुविक एसिड में कितने हाइड्रोजन होते हैं? 4 हाइड्रोजन होते हैं मात्र, कितने होते हैं? 4 होते हैं, और ये जो है 2 हाइड्रोजन इससे ले लेता है, और ये क्या बन जाता है बच्चे? इथेनॉल बन जाता है। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं स्ट्रक्चर में जाऊंगी तो आप हो जाओगे कंफ्यूज, बस इतना इसकी दुख भरी कहानी समझो कि ये क्या है बच्चे, पाइरुविक एसिड बन गया, पाइरुविक एसिड तो बन गया, और NAD घूम रहा है ऐसे ही,
तो ये फिर आएगा इसके पास, बोलेगा भाई मेरे एच प्लस ले ले, मुझे थोड़ा खाली कर, मैं इस एच प्लस के भार से दबा जा रहा हूँ, है ना, इस ये इसने लाद करके रखा हुआ है ना अपने ऊपर, थक रहा है बेचारा एच प्लस लेके। तो एच प्लस किसको दे देगा, पायरुविक को दे देगा। जब पायरुविक को दे देगा तो वो क्या बन जाएगा बच्चे, शराबी, क्या बन जाएगा, शराबी, ठीक है, है ना, मैं शराबी, है ना, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, शराबी, और CO2 रिलीज करेगा। इसके बाद ये NAD हो गया क्या, खाली, NAD क्या हो गया बच्चे, फ्री। अब ये फिर कहां जाएगा, फिर कहां जाएगा, फिर से कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पे फिर से कहां पहुंच जाएगा, चोरी करने, मैं हूं चोर, चोरी मेरा काम, है ना, NAD चोर, चोरी इसका काम, फिर से इसी पाथवे में पहुंच जाएगा, फिर से नया ग्लूकोज, क्या ये दोबारा इसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, लगातार ग्लूकोज मिल रहा है ना बच्चे बॉडी में लगातार, है ना, तो फिर से ये इस पाथवे में एंटर होगा, फिर से ग्लूकोज लेके आएगा, फिर से इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और फिर इसको क्या बोलेगा, भाई बोझ खाली कर, समझ गए, इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है, ठीक है। तो इसको कितना मिल रहा है बच्चे, 4 ATP मिल रहा है, सेम हमारे जैसा पाथवे, सेम 4 ATP मिलेगा, जिसमें 2 ATP पहले यहाँ पे यूटिलाइज हो चुका है, इन्वेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसके इसको कितना मिला बच्चे, ATP 2, ठीक। तो गरीब भाई की कहानी समझ गए, गरीब भाई की कहानी, है ना। अब देखो क्या है, अल्कोहल किसी के लिए भी अच्छा नहीं है बच्चे, अल्कोहल कंजम्पशन इज वेरी हैजार्डस फॉर बॉडी, है ना। अब देखो, अब इसके अंदर ये बहुत सारा ग्लूकोज तोड़ तोड़ करके क्या बना रहा है, बहुत सारा अल्कोहल, तो क्या होगा, जब अल्कोहल 13% के आसपास पहुंच जाएगा तो ये खुद ही मर जाएगा, इसकी भी तो किडनी लीवर खराब हो जाएगी, समझ गए, इसके पास लीवर किडनी नहीं होता, मतलब समझो अल्कोहल बहुत ज्यादा इसके सेल में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा बच्चे, समझ गए, अल्कोहल बहुत ज्यादा इसके पास भी हो जाएगा। तो अल्कोहल किसी के लिए अच्छा नहीं है, इवन ईस्ट के लिए भी अच्छा नहीं है, जो खुद अल्कोहल बनाता है, तो जो खुद अल्कोहल बना रहा है उसके लिए ईस्ट, उसके लिए अल्कोहल अच्छा नहीं है, तो जो अल्कोहल पी रहा है उसके लिए कैसे अल्कोहल अच्छा होगा, समझ गए, तो अल्कोहल नहीं पीना है, है ना, नहीं पीना है। एक 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 बच्चे, एक सभा होती है, एक सभा होती है जिसमें जिसमें एक साइंटिस्ट आते हैं, वो बच्चों को दिखाते हैं कि देखो अल्कोहल लेते हैं, उसमें कीड़ा डालते हैं, ठीक है, एक इंसेक्ट डालते हैं, और वो जो है ना इंसेक्ट मर जाता है थोड़ी देर, तो वो पूछते हैं कि आपने क्या सीखा इससे, तो वो समझदार बच्चे क्या बोलते हैं, इससे हमने ये सीखा कि शराब पीने से पेट के कीड़े क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, है ना, पेट के कीड़े मर जाते हैं। तो आपको इस तरह का सेंस नहीं लगाना है बच्चे, ठीक है, आपको इस तरह का सेंस नहीं लगाना है। जिसको थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो रहा है, लेट हो रहा है कहीं जाने के लिए, आप जा सकते हैं बेटा, लेट हो रहा है सुहानी, लेट हो रहा है कहीं जाना है, बहुत अर्जेंट काम है, हाँ तो फिर आराम करो, हाँ एंजॉय द क्लास, ठीक है। ये कहानी आपको समझ में आ गई। अब दूसरी कहानी, अब कहानी किसकी है, आपके शरीर की बच्चे, आपके शरीर की। जब आपका शरीर अचानक से रात में मुड़ जाता है, है ना, अचानक से रात में पैर मुड़ जाता है, या चलते चलते दौड़ रहे बहुत तेज कस के दर्द होता है, फूल जाता है, समझ गए, तो वहां पे क्या कहानी होती है। बहुत तेज अगर पैर में दर्द होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, तो क्या होता है, देखो वहां पे भी बच्चे सेम चीज हो रही है, ये कहाँ पर हो रहा है, आपके मसल्स, ठीक है, ये पैर है आपका, ये मसल्स में क्या बन रहा है बच्चे, लैक्टिक एसिड, इसमें भी सेम कहानी होगी, पाइरुविक एसिड तक तो सेम कहानी चलेगी, पाइरुविक के बाद क्या हो जाएगा बच्चे, कहानी चेंज, लैक्टिक एसिड, पाइरुविक के बाद पाइरुविक एसिड बन गया, यहाँ पे भी NAD आएगा, क्या लेकर के, H प्लस लेकर के, लेकिन यहाँ पे ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होगा अलग, यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़ेगा वो अलग तरीके से जुड़ता है बच्चे, हाइड्रोजन जो इसमें जुड़ता है वो अलग तरीके से जुड़ता है, तो इथेनॉल ना बना के क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड बनाता है यहाँ पे, समझ गए, तो बस सेम कहानी है, इसमें भी
वही होना है। कितना एटीपी निकल रहा है बच्चे? 2 एटीपी निकल रहा है, ठीक है। ओके ओके मैम, रात में जो सोते टाइम नस पे नस चढ़ जाती है उसमें भी यही होता है? हाँ, नस पे नस चढ़ती है तो भी ऐसा होता है। बहुत सारे रीजन है उसके, बहुत सारे रीजन है स्पेशली। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, बहुत ज्यादा आपने मस्कुलर कुछ एक्सरसाइज वगैरह किया उसके बाद हो रहा है, तो इट मींस कि थोड़ा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है आपकी बॉडी में। आप पानी वानी नहीं पी रहे हैं, आप बिल्कुल एक्सरसाइज करते जा रहे हैं, मतलब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। ओके, क्या मैं इसको आगे पढ़ाऊं? आगे पढ़ाऊं? मैम कल कर लेते हैं, तो मैम कल करेंगे, है ना, कल करेंगे। क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि आपका जो है, जो भी पढ़ा है, जितना पढ़ा है वो भूल जाओ। तो बच्चे आपका होमवर्क समझ गए ना, क्या करना है आपको? लाइसेंस वाला ये आपको कंप्लीट करना है अच्छे से। सबके दिमाग में रट जाना चाहिए बच्चे, बिल्कुल छपा हुआ होना चाहिए दिमाग। मतलब आपका दिमाग कोई खोले तो ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे दिखे, समझ गए?